हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द क्लेवर मंकी जो लेसन है उसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने द क्लेवर मंकी का जो फर्स्ट पार्ट था उसे कंप्लीट किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। द मंकी जंप्ड यानी कूदा onto the rock and landed on the river island. अगली सुबह हमेशा की तरह जो बंदर है वो उस चट्टान पर कूदा और उसके बाद वहां से वो सीधा उस आइलैंड पर पहुंच गया। Seeing this, इसे देखकर the crocodile swam मने तैरा swam to the rock चट्टान की तरफ। ही ले स्टिल, ले का मतलब होता है लेटा हुआ, ठीक है। स्टिल यानी कि एकदम बिना हिले डुले, ले डुले ऑन द रॉक। जैसे ही उसने देखा कि बंदर आ रहा है तो मगरमच्छ था वो चट्टान की तरफ तैरा और वहां जाकर हो गया बिना हिला डुले। कीपिंग हिज हेड एंड टेल वेल अंडर वाटर। कीपिंग का मतलब होता है रखकर या रखना, ठीक है। टेल यानी पूंछ, अपने सर, हेड यानी सर होता है, ठीक है। अपने सिर और पूंछ को उसने पानी के अंदर रखा, ठीक है। ओनली हिज बैक वॉज अबव वाटर, केवल उसका बैक यानी पीठ जो था वो अबव यानी ऊपर, केवल उसका पीठ जो था वो पानी से ऊपर था। एंड इट लुक्ड लाइक अ पार्ट ऑफ रॉक, और यह एकदम चट्टान के पार्ट की तरह दिख रहा था भाग, ठीक है। उसने अपना जो पीठ जो पानी के ऊपर रखा हुआ था वह बिल्कुल उस चट्टान के एक भाग की तरह दिख रहा था, ठीक है। After having a good meal, ठीक है, meal यानी भोजन, अच्छे से खाने के बाद the monkey decided to return. Monkey ने यह निर्णय लिया, ठीक है, decided यानी निश्चय किया या निर्णय लिया to return यानी वापस आने का, ठीक है। अच्छे से भोजन कर लिया और उसके बाद वापस आने का निर्णय लिया। He looked at the rock, उसने चट्टान को देखा। Looked यानी देखा, उसने चट्टान को देखा। Strange यानी अजीब, ठीक है। Strange यानी अजीब या आश्चर्यचकित आप कह सकते हो। Strange, the rock has become so large यानी बड़ा। उसने चट्टान को देखा और उसे देखते ही उसको अजीब सा लगा क्योंकि चट्टान कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा था। He thought, उसने सोचा, बंदर ने सोचा, it was not so big. एक सेकेंड, It was not so big when I came here. Big यानी बड़ा, when यानी जब मैं आया था तब यह चट्टान इतना बड़ा नहीं था। Possibly that crocodile is playing a trick again. संभव है कि बंदर जो है वो वापस से चालाकी कर रहा है। तो
पॉसिबली का मतलब होता है संभव और का मतलब होता है आपका एक तरीके से चालाकी चलना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ठीक का मतलब होता है आपका छल, ठीक है, किसी प्रकार का छल करना, आप चालाकी कह सकते हो या फिर आप इसके लिए अच्छा शब्द होगा छल। हो सकता है जो बंदर है उसने फिर से कोई छल चल रहा हो। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, दोबारा दोबारा यानी फिर से। संभव है कि फिर से जो बंदर है वो कोई चालाकी चल रहा हो या कोई छल कर रहा हो, ठीक है। ही इज लेइंग देयर, वह वहां पर सोया हो सकता है। प्रिटेंडिंग टू बी अ रॉक, प्रिटेंडिंग का मतलब होता है बहाना बनाकर, बहाना बनाकर, ठीक है। टू बी अ रॉक, चट्टान का बहाना, मतलब चट्टान जैसा बहाना बनाकर वो वहां पर सोया हुआ हो। द मंकी मेड अप हिज माइंड वेरी क्विकली, मंकी ने जल्दी से ही, क्विकली यानी जल्दी से सोच लिया कि उसे क्या करना है। ही साउटेड, साउटेड यानी चिल्लाना, बंदर ने जोर से चिल्लाया, हेलो रॉक माय डियर फ्रेंड, हेलो चट्टान मेरे प्रिय दोस्त, यू लुक क्वाइट बिग टुडे, आज तुम बहुत बड़े दिख रहे हो, एंड यू डिड नॉट वेलकम मी टुडे, आज तुमने वेलकम, वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है, वेलकम यानी स्वागत करना, ठीक है, टुडे यानी आज, आज तुमने मेरा स्वागत भी नहीं किया, एज यू ऑलवेज डू, जैसा कि तुम हमेशा करते हो, ऑलवेज यानी हमेशा, ठीक है। आर यू एंग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, एंग्री यानी गुस्सा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, हियरिंग हिम उसे सुनकर, हियरिंग का मतलब होता है सुनकर, उसे सुनकर, द क्रोकोडाइल थॉट, मगरमच्छ सोचा, परहैप्स दिस, परहैप्स दिस रॉक रियली टॉक टू द मंकी, हो सकता है ये जो चट्टान है वो बंदर से क्या करता हो, रोज बात करता हो, ठीक है, शायद, ठीक है, हो सकता है शायद जो है ये चट्टान जो है वो रोज मंकी से बातचीत करता हो, परहैप्स यानी कि शायद, आई शुड स्पीक टू हिम, मुझे इससे बोलना चाहिए, शुड यानी चाहिए, टू हिम पोजिंग एज द रॉक, अदरवाइज ही माइट सस्पेक्ट समथिंग, का मतलब होता है बोलना, और रियली यानी सच में, ठीक है। ही सच में, पोजिंग यानी मुद्रा में, अने उसी चट्टान की तरह वो सोए सोए, मुद्रा का मतलब होता है यहाँ पर उसी तरीके से जैसे वो चट्टान था वैसे ही चट्टान की तरह बैठ रहे रहे वो सोचता है कि जो है आई शुड स्पीक टू हिम, मुझे इससे बोलना चाहिए, अदरवाइज ही माइट सस्पेक्ट समथिंग, उसको कुछ शक हो जाएगा, अदरवाइज वरना, सस्पेक्ट यानी संदेह, समथिंग यानी कुछ, ऑलवेज यानी हमेशा, वेलकम का मतलब होता है स्वागत, एंग्री का मतलब गुस्सा, डिफरेंट यानी अलग, इम्पेशेंट का मतलब होता है
धैर्यहीन, जिसके अंदर धीरज ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ही सेड, नो नो माई फ्रेंड, यू आर ऑलवेज बैंक वेलकम। तो वो जो है उससे कहता है कि अगर मैंने इसको बोला नहीं तो हो सकता है इसको शक हो जाए, इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारा वेलकम, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। तो देखो आगे क्या कहता है। इफ यू आर नॉट एंग्री, वाई आर यू लुकिंग सो डिफरेंट, सेड द मंकी। मंकी बोला अगर तुम मेरे से गुस्सा नहीं हो तो तुम अलग अलग क्यों दिख रहे हो, एकदम अजीब से क्यों दिख रहे हो। ठीक है, तो इस पर द क्रोकोडाइल गॉट इम्पेशेंट। क्रोकोडाइल जो होता है उसका धैर्य खो जाता है। ही रेज्ड हिज हेड, वो अपना सर जो है उठा लेता है। रेज्ड यानी उठाना, हेड मतलब सिर, ठीक है। वो अपना सिर जो है पानी से ऊपर उठा लेता है। एंड सेड, और बोला आई एम नॉट अ रॉक, मैं चट्टान नहीं हूं। यू स्टूपिड, तुम मूर्ख, अरे मूर्ख, मैं चट्टान नहीं हूं। आई एम ए क्रोकोडाइल, मैं एक मगरमच्छ हूं। आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुमको खाने वाला हूँ। अब वेरी सून, बहुत जल्दी मैं तुमको खाने वाला हूँ। द मंकी रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट रिटर्न होम लाइक ऑल अदर डेज। रियलाइज का मतलब समझ में आ जाना, समझ में आना। मंकी को ये बात समझ में आ गया कि हर दिन की तरह वह आज घर लौट नहीं पाएगा। तो ही मेड अनदर प्लान, वो क्या किया, झट से अनदर यानी कि दूसरा प्लान यानी योजना बना लिया। ही सेड, और बोला माई फ्रेंड क्रोकोडाइल, सो सॉरी, मेरे दोस्त मगरमच्छ, मुझे माफ कर दो। व्हाई डिड यू डू ऑल दिस टू कैच मी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो मुझे पकड़ने के लिए। जस्ट ओपन योर माउथ, केवल अपना मुंह खोलो। वाइड वाइड यानी बड़ा, कैच यानी पकड़ना, और वाइड यानी बड़ा, ठीक है। बस तुम बड़ा सा अपना मुंह खोलो। आई विल जम्प, मैं कूदूंगा स्ट्रेट इंटू योर माउथ। स्ट्रेट यानी सीधा सीधा तुम्हारे मुंह में कूद जाऊंगा। द मंकी हैड ऑब्जर्व्ड, मंकी जो था वो ये बात देखा था। देखना या निरीक्षण करना, ठीक है, देखा था। अर्लियर, अर्लियर यानी पहले, ठीक है। जो द मंकी हैड ऑब्जर्व अर्लियर दैट वेन एवर द क्रोकोडाइल ओपेंड हिज माउथ हिज आईज वुड शट कंप्लीटली। वो जो बंदर था वो पहले देखा था। शट यानी बंद होना, ठीक है, बंद। कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, पूरी तरह। सजेशन यानी सलाह। क्लोज्ड यानी बंद। लेफ्ट यानी कूदा। सेफ्टली मतलब सुरक्षा के साथ। लफ्ट यानी हंसा। तो जो बंदर था वो पहले देखा था कि बेने भर, जब कभी बंदर मंकी क्रोकोडाइल जो है वो अपना मुंह खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। बट द क्रोकोडाइल डिड नॉट नो दिस, मगर मगरमच्छ को ये बात पता ही नहीं था कि जब वो मुंह खोलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ही वॉज हैप्पी एट द मंकी सजेशन, वो मंकी की सलाह पर बहुत खुश हुआ। ही रेज्ड हिमसेल्फ, खुद को उठाया ऑन द रॉक विथ हिज माउथ एंड वाइड ओपन, अपना मुंह जो है वो बड़ा सा खोल दिया। एंड हिज आईज क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद हो गई। द मंकी द क्लेवर मंकी लेफ्ट ऑन द क्रोकोडाइल हेड, जो बंदर था वो झट से मंकी के माथे पर कूदा। आप ये चित्र में देखो, यहाँ पे देखो इस चित्र में आप देख सकते हो कैसे जो है ये आइलैंड से बंदर जो है सीधा इसके माथे पर कूदा और कूद कर फट से भाग गया, ठीक है। तो देखो इसकी आंखें जो है वो बंद हो गई हैं, बड़ा सा मुंह खोल दिया है, इतना बड़ा मुंह कि खाएंगे, लेकिन वो भाग गया। द क्रोकोडाइल हेड एंड देन क्विकली जम्प्ड बैक टू द रिवर बैंक, वापस चला गया। फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज होम अपॉन अ रिवर साइड ट्री, वापस जो है वो अपने घर नदी के किनारे पेड़ पर पहुंच गया। द मंकी लफ्ड, मंकी हंसा एट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के ऊपर। एंड सेड, और बोला यू फूलिश क्रोकोडाइल, अरे मूर्ख मगरमच्छ, यू
यू कैन नेवर कैच मी, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे. नो डाउट, इसमें कोई शक, शक यानी संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है. यू आर बिगर देन मी, तुम मुझसे बड़े हो. बिगर यानी बड़े होना, ठीक है, तुम मुझसे बड़े हो. बट यू आर बिगर फूल टू, मगर तुम उसके साथ ही बहुत बड़े मूर्ख भी हो. फूल यानी मूर्ख, ठीक है, तुम बहुत बड़े मूर्ख भी हो. ठीक है, तो अडेप्टेड फ्रॉम बेस्ट ऑफ चातका टेल्स, ये जो कहानी है अडेप्टेड यानी लिया गया है. ठीक है, अडेप्टेड यानी लेना या अनुग्रहित करना या लिया. ठीक है, कहाँ से लिया गया है? बेस्ट ऑफ जताका टेल्स, जो जताका की कहानियां है वहां से ये लिया गया है. तो बच्चों आप ये कहानी से क्या सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर चलाकी हो, बुद्धिमानी हो, तो आप किसी भी परेशानी में क्यों ना फंसे, आप शीघ्र ही उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, आइए अब आगे हम लोग इसकी एक्टिविटीज को करेंगे. एक सेकेंड, ओके, एक्टिविटी फोर करेंगे जिसमें सबसे पहले हमको ट्रू एंड फॉल्स करना है. तो देखिए, ए नंबर, द क्रोकोडाइल फाउंड दैट कैचिंग द मंकी वाज ए डिफिकल्ट जॉब. क्रोकोडाइल को यह बात पता चला कि बंदर को पकड़ना जो है वो एक बहुत ही कठिन काम है. हाँ, ये बात तो सही है, ट्रू. द रॉक ऑलवेज टॉक टू द मंकी, क्या जो वो रॉक था वो हमेशा मंकी से बात करता था? फॉल्स. द मंकी जंप्ड स्ट्रेट इनटू द क्रोकोडाइल ओपन माउथ, या जंपी मंकी जो है वो सीधे क्रोकोडाइल के मुंह में कूद गया? फॉल्स. ई नंबर, द मंकी रिटर्न टू हिज होम सेफली, या जो बंदर है वो अपने घर वापस सुरक्षित लौट आया? ट्रू. द मंकी वॉज मोर क्लेवर देन टू द क्रोकोडाइल, बंदर जो था वो मगरमच्छ से ज्यादा चालाक था. ट्रू, है ना, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत. तो हमने ये कर लिया. एक्टिविटी फाइव देखते हैं. एक्टिविटी फाइव क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके आधार पर यहाँ पे जो दिया गया है सेंटेंस उसको कंप्लीट कीजिए. तो पहला देखते हैं, ए नंबर, द क्रोकोडाइल केप्ट हिज हेड एंड टेल, जो क्रोकोडाइल है वो अपना सर और पूंछ जो है वो क्या करता है, पानी के अंदर रखता है ना, टेल वेल अंडर वाटर, अंडर वाटर. ठीक है, बी नंबर, आफ्टर हैविंग अ गुड मील द मंकी, अच्छा भोजन करने के बाद मंकी क्या किया, डिसाइडेड टू रिटर्न, वापस घर आने के लिए सोचा. DECIDED, डिसाइडेड टू रिटर्न. सी नंबर, द क्रोकोडाइल थॉट दैट इट दैट ही शुड स्पीक टू द मंकी एज द रॉक, बिकॉज जो क्रोकोडाइल है वो सोचा कि उसको मंकी से बात करना चाहिए एक रॉक की तरह. क्यों? क्योंकि नहीं तो मंकी को क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा. द मंकी माइट सस्पेक्ट समथिंग, माइट सस्पेक्ट समथिंग. ठीक है, डी नंबर, द मंकी ऑब्जर्व दैट एवरी टाइम द क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ, मंकी ने ये चीज देखा था कि जब भी क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. माउथ एंड हिज आईज, यहाँ पे होगा एंड हिज आईज वुड शट कंप्लीटली, पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं. COMPLETELY, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से. ई नंबर, द मंकी हैड हिज होम, कहाँ था का घर, मंकी का घर, अपॉन UPON अपॉन अ रिवर साइड ट्री, नदी के किनारे वाले पेड़ पर. द क्रोकोडाइल विगर्स
बिगड़ इन साइज एंड ऑल्सो क्या था, साइज में तो बड़ा ही था ही क्रोकोडाइल, साथ ही साथ क्या था, बड़ा मूर्ख भी था। बिगर एक सेकेंड, फूल एफ डबल ओ डबल एफ डबल ओ एल, फूल फूल यानी मूर्ख। आइए आगे देखते हैं। ओके एक्टिविटी सिक्स देखेंगे पहले हम लोग, उसके बाद में एक्टिविटी सेवन देखेंगे। तो एक्टिविटी सिक्स देखते हैं। एक्टिविटी सिक्स में क्या है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। एक्टिविटी सिक्स में क्वेश्चन आंसर है, तो द ए नंबर क्वेश्चन क्या है, हु स्वैम टू द रॉक, कौन जो है वो रॉक की ओर तैरा। इसका आंसर देखो ए नंबर, क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल CODILE, द क्रोकोडाइल स्वैम टू द रॉक। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड द मंकी बिकम सस्पिशियस, क्यों जो है वो बंदर को थोड़ा सा संदेह हुआ, ठीक है, मन में क्यों संदेह जगा। तो आंसर लिखेंगे द मंकी, द मंकी बिकेम सस्पिशियस बिकॉज SUS PICIOUS, suspicious because he knew that the, he knew, क्योंकि वो जानता था, he knew that the rock was the rock was not so big, not so big when he came here first, when he came here first, it must be a trick of the crocodile, a trick, T-R-I-C-K, trick of the crocodile. Okay. आगे देखते हैं, क्वेश्चन ए हो गया, बी हो गया, क्वेश्चन सी देखेंगे हम लोग। नंबर, व्हाट वाज द मंकी सजेशन टू द क्रोकोडाइल, मंकी ने जो है वो क्या सजेशन दिया क्रोकोडाइल को। तो मंकी ने क्या सजेशन दिया था, द मंकी सजेशन यानी सलाह, द मंकी सजेशन ION सजेशन टू द क्रोकोडाइल, टू द क्रोकोडाइल वॉज दैट, वॉज दैट ही वुड, ही वुड ओपन हिज माउथ, हिज mouth and jumped J-U-M-P-E-D jumped straight, yeah, jumped straight या फिर आप लिख सकते हो वो उसको क्या कहता है straight, हाँ jumped straight straight स्टेट यानी सीधे, ठीक है, क्या करेगा जंप कर देगा सीधे उसके मुंह में, जंप स्ट्रेट इनटू हिज माउथ, इनटू हिज माउथ।
क्या सलाह दिया था? सलाह दिया था कि क्रोकोडाइल जो है, तुम अपना मुंह जो है वो बड़ा सा खोलो, मैं सीधा क्या करूंगा, तुम्हारे मुंह में ही कूद जाऊंगा, है ना? यही सलाह दिया था ना। ये डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मंकी टेल द क्रोकोडाइल फ्रॉम हिज सेफ शेल्टर? ठीक है, जब वो वापस घर लौटकर आ जाता है तो वो मंकी को क्या कहता है, क्रोकोडाइल को क्या कहता है? वापस घर सुरक्षित पहुंच जाता है तो वो मंकी क्रोकोडाइल को क्या कहता है? ठीक है, तो डी नंबर आंसर हम लोग लिखेंगे। एक सेकेंड, हाँ चलिए, डी नंबर लिखेंगे। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल, द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल फ्रॉम हिज सेल्टर, फ्रॉम हिज सेफ शेल्टर, फ्रॉम दैट ही वॉज फुलिश एंड कुड नेवर वॉज फुलिश एंड कुड नेवर कैच CATCH कैच हिम, ही माइट बी बिगर देन बट He was also, he was also a bigger fool. तो वो क्या कहता है कि अपने घर लौटने के बाद वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। जो बंदर रहता है वो कहता है मगरमच्छ से, तो कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तुम साइज में तो बड़े हो ही, साथ ही बहुत बड़े मूर्ख भी हो, इसलिए तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, ये बात वो उसको कहता है। आइए अब हम लोग देखें ये वाला एक्टिविटी 7 देखते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर गिवेन। तो कहानी में से शब्द को भरना है, उसमें से पहला अक्षर दे दिया गया है। ठीक है, तो देखो, द क्रोकोडाइल डैश द मंकी क्रॉसिंग द रिवर। क्रोकोडाइल ने क्या किया था, नोटिस किया था कि मंकी जो है वो पार कर रहा है, नोटिस्ट। ठीक है, इसके बाद वाला हम लोग नीचे करेंगे। ये रहा बी नंबर। ठीक है, द मंकी ऑलवेज डैश फ्रॉम द क्रोकोडाइल क्लचेस। जो बंदर था वो क्या था, हमेशा भाग जाता था मगरमच्छ के चंगुल से। तो भाग जाने का क्या होगा, स्केप्ड, ESCAPED स्केप्ड। ठीक है, सी नंबर, द मंकी थॉट दैट द क्रोकोडाइल वॉज प्लेइंग अ डैश वंस मोर। तो मंकी ने सोचा कि बंदर जो है एक बार फिर से क्या खेल रहा है, ट्रिक खेल रहा है। क्या होगा यहाँ पर, TRICK, ट्रिक। डी नंबर, द क्रोकोडाइल कुड नॉट डैश द क्लेवर मंकी प्लान। जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के प्लान को समझ नहीं पाया, तो इसके लिए क्या होगा, रियलाइज्ड, RELIZED, रियलाइज। ठीक है, समझ नहीं पाया। ई नंबर, फ्रॉम हिज सेफ होम द मंकी कॉल्ड द क्रोकोडाइल। जब वापस लौट आया तो बंदर ने मंकी को क्या कहा, फुलिश, मूर्ख कहा था, FOOLISH, फुलिश कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर।
रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द ऑपोजिट फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे देखो ये जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं ना, इसका ऑपोजिट वर्ड यहाँ दिया गया है, तो इससे इसको मतलब ऑपोजिट वर्ड लिखना है. जैसे स्मॉल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, स्मॉल का ऑपोजिट वर्ड होता है यूज, यूज यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, यूज यानी बड़ा. इसी तरीके से द मेडिसिन टेस्ट बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा होना, ठीक है, तो इसका क्या होगा स्वीट. बिटर का ऑपोजिट क्या होता है स्वीट, स्वीट यानी मीठा, ठीक है. लास्ट ईयर द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर वॉज इजी, इजी का मतलब होता है आसान, आसान का क्या होगा, मैं यहां लिख देती हूँ नीचे डिफिकल्ट, डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी, ये वाला डिफिकल्ट, ठीक है. इसके बाद देखो सुनीता नेवर फील्स नर्वस बिफोर एग्जामिनेशन. नेवर्स का मतलब होता है कभी नहीं, तो कभी नहीं का क्या होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है. लाइट का क्या होगा, लाइट यानी यहां पर होता है हल्का, ठीक है, हल्का का भारी, भारी के लिए हेवी. और द बॉय हैज करली हेयर, करली का करली यानी घुंघरूला जिसको हम कहते हैं, तो लड़के के पास घुंघरूला बाल है, तो करली का क्या होगा स्ट्रेट, एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट यानी सीधा, ठीक है. आगे देखते हैं, तो आगे कह रहा है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं. देखो दोनों बंदर बैठ गए हैं, एक बंदर है और एक, तो हाँ एक बड़ा बंदर है, दोनों आपस में बैठ गए हैं. और अब ये क्या कह रहे हैं, सपोज द डे, सपोज द फॉलोइंग डे मंकी मीट हिज फ्रेंड. मान लो एक दिन बंदर जो है वो अपने एक दोस्त से मिला, तो मंकी का दोस्त कौन होगा, दूसरा मंकी. एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, और उसको सब बताया कि क्या क्या उसके साथ घटना हुआ, कैसे क्रोकोडाइल उसको पकड़ा, ठीक है. तो तुमको क्या करना है, डिस्कस योर पार्टनर एंड टेल द क्लास व्हाट दे सेड टू ईच अदर, सेम क्लूज आर गिवन फॉर यू. यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसके आधार पर तुमको अपने क्लास में क्या करना है ये इसको बताना है. तो एक मंकी, तो पहला मंकी क्या कहता है, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम. दूसरा मंकी कहता है फाइन. तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमसे कोई पूछता है कैसे हो तुम, तो हम लोग फिर क्या पूछते हैं, अच्छे हैं, तुम कैसे हो. यहाँ पर क्या होगा फाइन एंड यू, ए बड़ा कर दो एंड यू, और तुम कैसे हो. पहला मंकी क्या कहता है, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ. डू यू नो, क्या तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ, वॉट हैड हैपेंड, वॉट हैड हैपेंड, डबल पी ई एन ई डी, वॉट हैड हैपेंड, क्या हुआ. ये यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे. ये वाला जो वर्ड है ना बच्चों, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है. सेकंड वाला मंकी कहता है, नो टेल मी प्लीज, नहीं मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, बताओ 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 क्या हुआ तुम्हारे साथ. तब बताता है पहला मंकी, अ बिग क्रोकोडाइल, एक बड़ा वाला जो मगरमच्छ था ना, वो मेरे साथ एक चालाकी, मतलब पहले तो चालाकी किया था, फिर दूसरे दिन चालाकी किया. क्या लिखेंगे, लेट ट्रिक लाइक बिफोर, पहले की तरह चालाकी खेला. ही प्रिटेंडेड टू बी, यहां पे ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड टू बी ए रॉक टू कैच मी फॉर फूड, टू कैच मी फॉर फूड, ठीक है. ये आप यहाँ पर लिख लेना. इसके बाद दूसरा मंकी पूछता है, अच्छा तो पकड़ लिया था तो तुम वापस कैसे लौटे, ठीक है, बट हाउ यू स्केप, तुम भागे कैसे, एंड
रिटर्न होम, वापस कैसे आए, तुम वहां से भागे कैसे, वापस कैसे आए। पहला मंकी बोलता है आई वॉज नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं। आई टोल्ड हिम, मैं उसको बोला, क्या बोला, दैट ही आई कुड जंप स्ट्रेट, मैं क्या करूंगा, सीधा तुम्हारे मुंह में कूदूंगा। इनटू हिज माउथ वॉट एवर, या फिर वेन एवर वॉट एवर WHET डॉट एच वेदर वेदर WHETHER वेदर ही वुड, इसके बाद ही लिख लेना, ओपन इस माउथ एंड देन What I did. ठीक है, तो दूसरा मंकी बोलता अच्छा तुम ऐसा बोले, हाँ मैं ऐसा बोला, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, आई जम्प्ड, मैं कूदा, ठीक है, ऑन हिज हेड, उसके माथे पर कूदा, एंड देन, और उसके बाद झट से क्या किया, क्विकली, वहां से फट से भाग गया, QUICKLY क्विकली escaped to my home, मैं फट से भाग आया अपने घर। तो उसके बाद क्या कहता है दूसरा वाला बंदर, really you are intelligent, या फिर कह सकते हो really you are more intelligent than him, You are intelligent. तुम बहुत चालाक हो, ठीक है। तो ये जो है ये कन्वर्सेशन खत्म हुआ। इसके बाद एक्टिविटी 9 देखते हैं। एक्टिविटी 9 में क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है और ये इसका फुल फॉर्म देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे ताकि हमको मैचिंग करने में आसान हो, ठीक है। EFGH, इससे अब हमको क्या होगा, मैच करने में आसानी होगी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल फॉर्म लिखना है। तो देखो V डबल है ना, तो ये होगा V will, यानी कि यहाँ पर ये नंबर, फिर I am, she is, did not, whenever, या फिर where not, ठीक है, where not है ई नंबर, you have, f, would not, यहाँ पे होगा would not या will not, ठीक है, तो g नंबर, और can't का cannot, h नंबर, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है, मैंने मैच कर दिया है, आप लोग देख लेना। अब एक्टिविटी 10 देखते हैं। एक्टिविटी 10 में कह रहा है कि जो पैसेज है, पैसेज में कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं, जो भी प्रीपोजिशन हो उसको अंडरलाइन करो, ठीक है, ये वाला प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसमें से देखो एक पहला वाला आप लोगों के लिए कर दिया गया है, द फार्मर टुक अ शार्प एक्स एंड स्टक एट द ट्रंक ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है। एक बड़ा सा एक जो सिपाही है वो एक कुल्हाड़ी लिया और जाकर सीधा पेड़ के तने पर मारा। तो यहाँ पर जो एट है वो प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से इस पैसेज के अंदर जहां कहीं भी प्रीपोजिशन है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, देखते हैं। ऑल द क्रिएचर्स लिविंग इन द ट्री स्टार्टेड टू रिक्वेस्ट द फार्मर नॉट टू कट डाउन द ट्री, बट यहाँ पे कट डाउन भी जो होता है कई बार प्रीपोजिशन के अंदर आ जाता है, डाउन द ट्री, बट द फार्मर डिड नॉट लिसन to them
ही वॉज इन ए हरी टू फिनिश ऑफ हिज वर्क. ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रीपोजिशंस है. 11 देखते हैं. ओके, एक्टिविटी 11 में भी यहाँ पे देखो, बॉक्स के अंदर प्रीपोजिशन दिया गया है, जहां पर जो प्रीपोजिशन बैठेगा वो बैठा देना है. तो द फर्स्ट वन इज ए नंबर, देखो, द बॉय इज लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देख रहा था, लड़का जो है वो मेरी तरफ देख रहा था. गिव दिस लेटर, यह जो पत्र है, गिव दिस लेटर टू योर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर को दे दो. पुट द डस्टर ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर, जो डस्टर है वो टेबल के ऊपर रख दो. फिश लिव्स, जो मछली होती है वो क्या जीती है, इन वाटर, पानी में. पुट ऑफ द लाइट, जो मैंने बिजली है, लाइट है, प्रकाश है, उसको बंद कर दो. पुट ऑफ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ. ठीक है, ये खत्म. 12 देखते हैं. 12 में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सर्किल द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको सर्किल करो, जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करो. तो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट्स जो है वो सर्किल कर देती हूँ, बाद बाकी प्रेडिकेट जो है वो छोड़ देते हैं, अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो पता तो चलेगा ही कि वो जो है वो प्रेडिकेट है. तो पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है. सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता भी कहते हैं. जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है, प्रेडिकेट कहते हैं. तो देखो, डेज पास्ट, इसके बारे में कहा जा रहा है, डेज यानी दिन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि गुजर गया, इसी तरीके से हमको देखना है. द रॉक नेवर टॉक टू द मंकी, जो चट्टान है वो कभी बात नहीं करता है. तो यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है, रॉक के बारे में क्या कहा गया है कि वो कभी भी मंकी से बात नहीं करता है. तो ये जो पूरा है वो प्रेडिकेट है. ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया, इसके बाद केवल सर्किल करूंगी तो आप समझ लेना. हियर कम्स द गोलकीपर, किसके बारे में कहा गया है, गोलकीपर आया, किसके बारे में कहा गया, गोलकीपर के बारे में कहा गया है. तो गोलकीपर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, इसी तरीके से डी नंबर देखिए, एवरी इवनिंग मदर कुक्स फूड फॉर अस, हर शाम माँ जो है वो खाना बनाती है. किसके विषय में कहा गया है, माँ के विषय में कहा गया है. तो मदर जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, और क्या कहा गया है कि वो हर शाम खाना बनाती है, तो ये जो है वो प्रेडिकेट है. रोहन प्लेज क्रिकेट फॉर अ लोकल क्लब, रोहन जो है वो लोकल क्लब के लिए क्रिकेट खेलता है. इसमें किसके बारे में कहा गया है, रोहन के बारे में कहा गया है. तो रोहन जो है सब्जेक्ट, बाद बाकी प्रेडिकेट. हाउ बिग इज द ट्री, पेड़ जो है वो कितना लंबा है. किसके विषय में कहा गया है, ट्री के विषय में. तो ट्री क्या है, सब्जेक्ट, बाद बाकी प्रेडिकेट. इसी तरीके से जी नंबर, आई डोंट नो हिज फुल नेम, मैं उसका पूरा नाम नहीं जानती. किसके विषय में कहा गया, आई के विषय में, और बाद बाकी जो है वो प्रेडिकेट है. ठीक है, यह है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. आगे देखते हैं. ओके, एक्टिविटी 13 है हमारा. एक्टिविटी 13 में क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी लिखो इन 8 सेंटेंस, 8 वाक्य में. ठीक है, विद द फॉलोइंग हिंट्स, यहाँ पर जो हिंट्स दिया गया है उसके आधार पर एक कहानी आपको लिखनी है. तो हिंट्स देखो, यहाँ पे हिंट्स दिया गया है, ये आपका हिंट्स है, इस हिंट्स के आधार पर आपको कहानी लिखनी है. अ फॉक्स फेल इनटू वेल, एक जो फॉक्स है वो कहाँ गिर गया, जाकर कुएं में. ठीक है, हमको पहले सबसे पहले टाइटल देना है, लेकिन हम टाइटल बाद में देंगे, कहानी बनाने के बाद में टाइटल देंगे, ताकि हमको समझ में आ सके कि एक्चुअली में क्या हम लोग इसका नाम, टाइटल यानी नाम, कहानी का जो नाम है वो हम बाद में देंगे, ताकि हमको समझ में आ सके कि एक्चुअली में क्या नाम होना चाहिए. ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं. अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल, एक जो फॉक्स था, लोमड़ी था, वो जो है वो पानी में गिर गया. फेल टू गेट आउट, और वहां से बाहर नहीं आ पा रहा था. गोट केम, एक बकरी आई. फॉक्स आस्क्ड गॉट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, लोमड़ी बोला कि आओ आओ आकर कुएं से पानी पी लो. गॉट जम्प्ड इन, बकरी जो थी वो उसमें गिर गई, जैसे ही गिर रही थी फॉक्स जो है उसके ऊपर चढ़ा और चढ़कर जो है वो बाहर निकल गया, और बकरी जो है वो कुएं में रह गई. इससे हमें पता चलता है कि जो फॉक्स है वो बहुत ही चालाक है, तो हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, द क्लेवर फॉक्स. ठीक है, तो दे सकते हैं ना.
द लेवर बॉक्स। ठीक है चलो, अब हम लोग इसको करना शुरू करेंगे। तो पहले कहां शुरू होता है, यहां से। वंस अ फॉक्स वॉज मूविंग अराउंड अ विलेज। एक समय की बात है, एक फॉक्स जो है वो गांव में घूम रहा था। ही वॉज नॉट केयरफुल, वो जो है वो केयरफुल नहीं था, मतलब उसका ध्यान नहीं था। सडनली अचानक ही फेल इन टू ए वेल, अचानक वो जो है वो उसमें गिर गया, कुएं में गिर गया। ठीक है, इसके बाद से ही, उसके बाद से वो बार बार कोशिश किया। ही ट्राइड, TRIED, ट्राइड अगेन अगेन एंड अगेन टू गेट अप फ्रॉम द, वो बार बार कोशिश किया कि वो जो है उस वेल से बाहर, कुएं से बाहर निकल जाए, मगर क्या हुआ, बट ही फेल्ड, फेल्ड टू गेट आउट, बट ही फेल्ड टू गेट आउट, मगर वो वहां से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, अभी क्या हुआ, एट दैट टाइम, उसी समय एक बकरी आई, अ गोट केम। ही थॉट दैट, उस बकरी ने क्या सोचा कि पानी जो है बहुत ही मीठा है। थॉट दैट द वाटर इज स्वीट, पानी बहुत मीठा है। ठीक है, तो फिर क्या किया उसने, बकरी जो वो रहता है उससे पूछती है, फॉक्स से, इवन ही आस्क्ड द फॉक्स, उसने उस लोमड़ी से पूछा कि पानी कैसा है, उसी में क्या किया, चलाकी कर दिया। ठीक है, फॉक्स जो है चलाकी कर दिया, इसी मौके के तो इंतजार में था वो। तो द फॉक्स took this opportunity, opportunity का मतलब होता है मौका, OPPORTUNITY, opportunity, and asked goat to ड्रिंक वाटर। इसी मौके की तलाश में था, मौका मिल गया तो वो क्या बोला, बकरी को बोला कि आके पानी पी लो, बहुत मीठा है। बस बकरी तो बेवकूफ, पहुंच गई पानी पीने, वो क्या की, एज सून एज द गोट गेट डाउन, द फॉक्स क्लाइम्ड क्लाइम्ड ऑन एक सेकेंड गॉट गोट जी ओ गोट्स बैक एंड got out from the well, from the well, but
व्हाट रिमेंड इन वेल। तो क्या हुआ, जैसे ही आई बकरी, बकरी के पीठ पे लात धर के वो ऊपर चढ़ गया और बकरी जो है अंदर धड़ाम से पड़ गई। यहाँ देखिए बकरी नीचे पड़ गई और लोमड़ी जो है वो उसके पीठ पे पैर रख के भाग गया। ठीक है, तो क्लेवर फॉक्स है ना, चालाक लोमड़ी, मौके का फायदा उठा लिया। तो इसी के साथ ये जो है वो चैप्टर खत्म होता है। आगे वाली वीडियो में हम लोग जो हमारा लेसन 7 है द रेबल पॉइंट उसको करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें।